हम बात कर रहे हैं मोरप्पन लैब की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले जब स्टॉक इस रेंज में हम देख सकते हैं इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ करता था, हमने 44 के तगड़े सपोर्ट को डिस्कस किया था, इसके ऊपर कंसोलिडेट हुआ करता था। हमने कहा था कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक होकर 50 के लेवल को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। 50 के ब्रेकआउट के बाद टारगेट को डिस्कस किया था, 54 और 60 तक के टारगेट को हमने डिस्कस किया था। स्टॉक ने 50 के लेवल को ब्रेकआउट करके हमको 56 तक के टारगेट दिखाए। 50 और 54 ये दो टारगेट हमारे हमको हिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब जब ब्रेकआउट किया 50 के लेवल को तो हम देख सकते हैं स्टॉक ऊपर की ओर ही हमको काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर की ओर ही कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ हमको अब हायर है पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं जंप आया है, गिरावट, अगेन जंप, इसका हाई ब्रेकआउट है, अगेन गिरावट और जंप, तो यह हाई ब्रेकआउट है, अगेन गिरावट आई है। अब गिरावट आई है तो इससे पहले स्टॉक ने जहाँ सपोर्ट लिया था 52 का लेवल, उसी सपोर्ट से सपोर्ट लेकर हमको रिकवरी देखने के लिए मिली, छोटी मोटी रिकवरी के साथ ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली। अब स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक होकर अपने इस हाई को ब्रेकआउट देने के चांस बनते नज़र आ रहे। इमीडिएट सपोर्ट जहाँ से रिकवरी देखने के लिए मिली 52 का लेवल, अगेन इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 50 का लेवल, और स्टॉक जब तक 44 के ऊपर है बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। 44 के लेवल को हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, तो अब हमको इसी लेवल पर नज़र रखना है, 54 56 के लेवल पर। आने वाले दिन में हमको 54 का तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग डे में। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट ये जो लेवल है जहाँ से रिजेक्शन लिया है, ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 56 का लेवल। जैसे ही 56 को लेवल को ब्रेकआउट देगा फिर स्टॉक में हमको 60 नेक्स्ट टारगेट और 60 के ब्रेकआउट के बाद 64 से लेकर 70 तक के भी टारगेट मोरप्पन लैब में देखने के लिए मिल सकते हैं। और पैटर्न भी आया रहा है, बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग इसके ब्रेकआउट के चांसेस हमको नज़र आ रहे हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।